वेलकम टू बेस्ट फूडी फ्रेंड्स। आज हम आपको बताने वाले हैं स्ट्रीट स्टाइल दही पूरी बनाने की रेसिपी। बहुत ही सिंपल है, घर में आपके पास अगर ये पूरी है तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप सूजी से और आटे से ये फटाफट वाली पूरी भी बना सकते हैं। इसमें हम आलू और मोठ का मिक्सचर यूज़ करेंगे। ये स्प्राउट्स हमने रात में भिगाए हुए हैं और एक विसल देके इसको बॉईल किया है, ओके। और दही हरी चटनी है, ये मीठी आमचूर की सौंठ है। अगर ये आपके पास इमली या खजूर की चटनी नहीं है तो ये भी आप इंस्टेंटली बना सकते हैं। इसकी रेसिपी आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, आपको इसकी फटाफट वाली रेसिपी मिल जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं दही पूरी बनाना। ये मुंबई की फेमस दही पूरी चाट है जो हम आज बनाना दिखा रहे हैं। इसको हम ऐसे पूरी लेंगे, उसमें ये फिल कर लेंगे मोठ और आलू की फिलिंग। अब आप देख सकते हैं हमने सारी पूरियों में ऐसे फिलिंग भर ली है आलू और स्प्राउट्स की। अब हम इसमें दही डालेंगे। इसमें दही को अच्छे से मैंने फेंट लिया है, अराउंड 4 स्पून दही लिया है और उसमें थोड़ा सा हल्का सा नमक मिक्स किया है और उसको एकदम आप देख सकते हैं ऐसे कंसिस्टेंसी उसकी एक जैसी कर ली है। ये फटाफट बनने वाला चाट है, बहुत ही यम्मी लगेगा टेस्ट में। अभी थोड़ा सा हम इसमें ब्लैक सॉल्ट डालेंगे फ्लेवर के लिए। चाट मसाला, आपके पास जो भी चाट मसाला हो आप यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है कोई भी चाट के लिए। अब हम इसमें ये अपनी पुदीना और आमी वाली ग्रीन चटनी डालेंगे। और ये हमारी आमचूर की मीठी चटनी है, आपके पास खजूर इमली या जो भी मीठी चटनी हो आप उसको डाल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं इसमें। ये आप देख सकते हैं कितनी कलरफुल और कितनी टेम्पटिंग लग रही है। अब हम इसको गार्निश करेंगे। ये है बारीक सेव। अब इसमें ये बारीक हम जीरा डालेंगे पाउडर किया हुआ, हरा धनिया गार्निशिंग के लिए, और ये थोड़े से अनार के दाने। तो आप देख सकते हैं हमारी बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही बढ़िया दही पूड़ी रेडी है। ये एकदम स्ट्रीट स्टाइल बनेगी और बहुत ही फ्लेवर में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। आप ज़रूर इस रेसिपी को घर पर ट्राई कीजिए और आपको कैसी लगती है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल बेस्ट फूडी फ्रेंड्स पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और भी हमारी यम्मी डिलीशियस रेसिपीज़ के लिए। थैंक यू।